लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। नारायण माँ लगन तन मन दीजे खोए। सम्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य झांकियों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। प्रेमियों, संसार में सबसे सुखदाई और सरल काम कौन सा है? सबसे सुखदाई और सरल काम संसार में अगर कोई है तो वो है नाम का सुमिरन, क्योंकि वह चलते फिरते, उठते बैठते और सोए हुए भी हो सकता है। परंतु बड़े ही आश्चर्य की बात यह है कि लाभ भी अन्य कार्यों से इसमें अधिक है, फिर भी आम लोग इस कार्य में प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं। सब तीर्थ करने और व्रत रखने की अपेक्षा गुरुमुख बनकर नाम सुमिरन करना उत्तम होता है। किसी सेठ ने अपने नौकर को किसी कार्य हेतु विदेश भेजा था। वह वहां जाकर ऐशो आराम में फंस गया। जिस देह से गया था वह तो भूल ही गया। जब लौटा तो नौकरी भी गवाई और लज्जित भी हुआ। हमें भी प्रभु ने मानव तन विशेषतः भजन भक्ति के देह से ही दिया है, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार में भेजा है। यदि हम भी संसारिक विषय भोगों में फंसकर अपने मकसद को भुला देंगे, अपने देह को भुला देंगे, तो मालिक की कृपा से वंचित हो जाएंगे और उनके सामने लज्जित होंगे। संत महापुरुषों ने नाम के सुमिरन पर जोर दिया है, इसलिए कि नाम का सुमिरन करना जड़ को पानी देना होता है। नाम को बुलाकर शेष बाकी कितने भी कर्म कांड कर लो, वो तो केवल पत्तों को गीला करना हुआ। नाम के सुमिरन से ही अंतकरण शुद्ध होता है और उसी के द्वारा ही शुभ कर्म भी होते हैं। कई लोग नाम का सुमिरन छोड़कर अन्य शुभ कर्म आरंभ कर देते हैं, परंतु आधे मार्ग में ही गिर जाते हैं। किसी को अहंकार गिरा देता है तो किसी को कर्म फल की इच्छा आगे बढ़ने से रोक लेती है। यदि सद्गुरु के शब्द का रस लेना चाहते हो तो विषय रसों का त्याग करना पड़ेगा। एक म्यान में दो तलवारें कैसे समा सकती हैं? एकांत से अधिक प्रेम करो और दिल का सारा बोझ गुरु चरणों में समर्पित करके स्वतंत्र होकर रूहानी मार्ग की यात्रा करो। मालिक से प्रीत निभाने में चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, प्रसन्नता से दे दो। जब कामी काम के पीछे लोभी धन के कारण सिर देने को तत्पर रहते हैं, तो तुम मालिक के लिए कोई भी मुश्किल आ पड़े संकोच बिल्कुल मत करो। संत मत में प्रविष्ट हुए हो तो प्रमाद और वाद विवाद को त्याग कर गुरु सेवा में तत्पर रहो और मौन रहो, चुप रहो। लोगों की बातों से भयभीत होकर सत्य से मुख मत मोड़ो। तुम्हारी मुक्ति लोगों के हाथों में नहीं है। करोड़ों लोगों को चाहे प्रसन्न कर लो, परंतु मालिक की दृष्टि से यदि वंचित रह गए तो समझो असफल हो गए हो। जैसी वस्तु होंगी वैसा ही उसका मूल्य होगा। 50 या 100 रुपए में कुर्सी, मेज या पलंग आदि मिल जाएंगे। मकान हजारों या लाखों देने से मिलेंगे। यदि सदगुरु द्वार से नाम रूपी अमूल्य पदार्थ लेना चाहते हो तो तन मन धन का मूल्य देने के लिए हमेशा तत्पर रहो। यदि तुम्हें उच्च पद प्राप्त हो गया है तो छोटों को परेशान बिल्कुल मत करो, नहीं तो उनकी हार्दिक पुकार तुम्हें भी परेशान करेंगी। किसी की भी निंदा न करो, क्योंकि उससे तुम्हारी भी हानि होगी।
क्योंकि तुम्हारे सब शुभ कर्मों का फल उसके पास चला जाता है जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। अब तुम स्वयं ही समझ लो, जिस सेवक का सद्गुरु के चरणों में प्रेम है वह नाम का अभ्यास करे। नाम का अर्थ मैं नहीं हूं, संतों का फरमान है कि भगवान को अहंकार नहीं सुहाता। जहां नाम होगा वहां अहंकार नहीं होगा। सेवक को अपनी सुरती नाम में ऐसी जोड़नी चाहिए कि जिससे केवल तू ही तू रह जाए और मैं भूल जाए। इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम। घंटा, दो घंटे, तीन घंटे भजन अभ्यास करके बाकी समय सेवा, सत्संग, स्वाध्याय में अपने मन को लगाकर मालिक से दिल की तार जोड़े रखोगे तो आत्मिक शांति मिलेगी। मन अगर भजन में न लगे तो उसे बार बार लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि मन भजन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगेगा ही नहीं। लोगों से विचारों का आदान प्रदान करने से तो अच्छा है एकांत में प्रभु का चिंतन करे। भजन के समय शरीर को सावधान और सीधा करके बिठाओ, मन को सावधानी से मस्तक में दोनों ब्रुकरोटियों के मध्य में स्थिर करो। यदि कोई तुम्हारे विचारों के अनुकूल नहीं चलता तो क्रोध न करो, यही सोचो कि तुम अपने मालिक की मौज के अनुकूल कितना चलते हो। पहले अपने आप को अनुकूल बनाओ। यदि अपने अशुभ विचारों पर नियंत्रण करोगे तो कुकर्म से बच जाओगे और दंड नहीं पाओगे। कहावत भी है कि जैसा अन्न वैसा मन। शरीर नाम की कमाई करने के लिए ही मिला है, इसीलिए साधारण, सात्विक और कम भोजन खाना चाहिए जो मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन से ही सिमरन होता है। कई लोग कहते हैं कि मन नाम में लगता ही नहीं। मन लगे या न लगे तुम उठो मत, अपने शरीर को बरजोरी बिठाओ तो मन भी एक दिन स्थिर हो जाएगा। यदि मन में क्रोध आए तो सद्गुरु के शब्द द्वारा इस पर नियंत्रण करो। इसी प्रकार अन्य विकारों के आक्रमण से बचने के लिए भी गुरु शब्द का अभ्यास अति आवश्यक है। सदैव ही प्रसन्न रहने का प्रयत्न करो। प्रसन्नता सदा सत्पुरुषों की संगति से ही मिला करती है। दुख में और सुख में यही कहो कि तेरा माणा मीठा लागे। बुरी नजर से किसी को मत देखो और ना ही किसी से कटु वचन कहो। शरण पड़े की लाज प्रभु रखते आए हैं। तुम भी पूर्णतः मन से चिंता और चतुराई को त्याग कर उनकी समर्थता में विश्वास रखो। आपा भाव को त्यागो तो तुम्हारा निस्तार हो जाएगा। देखा देखी अपनी मांगे बिल्कुल मत बढ़ाओ। तुम्हें भजन में उन्नति करने की अभिलाषा है तो संसारिक पदार्थ बढ़ाने वालों से रीस न करो। पूर्व की तरफ जाना हो तो पश्चिम दिशा की ओर पीठ करो, नहीं तो समय व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। यदि सच्चे नाम की अभिलाषा है तो काम का त्याग करो। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, वैसे ही नाम और काम दिल में एक साथ नहीं रह सकते। जैसे एक दिन उपवास रखने से शरीर में कमजोरी होती है, इसी प्रकार एक दिन भजन न करने से आत्मा कमजोर होती है। इसीलिए नियम से बिना नागा किए भजन सुमरण किया करो। गुरु चरणों की छाया में रहो तो तृप्त हो जाओगे और कठिनाई भी सरल हो जाएंगी। जो कहे कि मुझे परमात्मा से मिलने की इच्छा है और संसारिक मोह और इच्छाएं भी नहीं छोड़ता, वो तो स्वयं को ठगता है। भक्ति में गरीबी अमीरी कोई महत्व नहीं रखते। भगवान तो मन की भावना को देखते हैं। जिसने भी भगवान को पाया केवल सच्चे प्रेम से ही पाया है। भगवान के प्रेमी शारीरिक दुखों से नहीं घबराते, धैर्य और शांति से नाम का स्मरण करते रहते हैं। प्रेमियों को कष्टों से बचाना तो मालिक का स्वभाव ही होता है। मालिक की मौज में हस्तक्षेप न करो, न ही अपनी चलाओ। जो उन्हें अच्छा लगे वह सत्य मानकर शिरोधार्य करो। सच्चे गुरु के दरबार में ये तासीर है कि विकारी मनुष्य भी अधिकारी बनकर अपना जन्म संवार लेते हैं। वाद विवाद से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसमें पढ़कर जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ न गवाओ, बल्कि सदगुरु के वचनों पर चलकर समय को सकारत करो। सदगुरु का हाथ खंडों ब्रह्मांडों तक पहुंचता है। वे अपने सच्चे सेवक की लोक परलोक में सहायता करते हैं।
तुम नाम का सुमिरन करोगे तो सदगुरु की वास्तविक शक्ति को जानोगे, तभी हार्दिक आभार मानोगे। जब झूठी माया के लिए तन मन धन की कुर्बानी देनी पड़ती है तो सच्चे प्रभु को तन मन धन दिए बिना कैसे प्राप्त करोगे। किसी खाली प्लाट को बनाकर भगवान की मूर्ति स्थापित करो तो वो क्या कहलाता है? वो मंदिर कहलाता है। व्यक्ति के हृदय में जब भगवान का निवास हो जाता है तो वो चेतन मंदिर बन जाता है। तुम जो कुछ भी करते हो या सोचते हो उसे तुम्हारा मालिक भली भांति जानता है। उसकी प्रसन्नता है तू कर्म भी करो और विचार भी करो। भगवान तुम्हारी लगन बढ़ाने के लिए ही आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। घबराओ मत, उसमें भी उनकी दया परिपूरित है। प्रभु क्षण में ही बादशाह को भिक्षुक बना सकते हैं। उनसे भय करोगे तो बुराई से बचोगे। तुम कितने भी गुनाहगार क्यों न हो, यदि तुम हार्दिक पश्चाताप करते हो तो मालिक की कृपा के सम्मुख तुम्हारे अवगुण या गुनाह नहीं ठहर सकेंगे। तुम अपना मूल्यांकन करो कि तुम में गुरु चरणों का प्रेम बढ़ रहा है या मायावी मोह। सदगुरु का प्रेम तुम्हें सच्चखंड में पहुंचाएगा और मायावी मोह 84 के चक्कर में डालेगा। जो समय व्यतीत हो गया उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो। वर्तमान समय मालिक की मौज में प्रसन्न चित्त और संतुष्ट रहो। मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचाओ। यदि भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो संसारिक लोगों से घनिष्ठ संबंध बिल्कुल मत बढ़ाओ। जगत में साधारण व्यवहार करते हुए चलो और हृदय की तार केवल मालिक से जोड़ो।